हेलो बच्चों, कैसे हो आप? लोगों को समझ में आ गया होगा थंबनेल और टाइटल देख करके कि आज हम कितने इम्पोर्टेंट टॉपिक को वीडियो लेकर के आए हैं। और बेटा, पहले मैं एक बता दूं आपको कि अगर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की आपको पूरे चैप्टर का एक रिवीजन पे पूरी थ्योरी देखनी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से आप पूरी वीडियो देख सकते हैं और पूरा चैप्टर समझ सकते हैं। लेकिन आज जो मैं आया हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इस टॉपिक के ऊपर अगर न्यूमेरिकल आ जाता है तो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये टॉपिक दो हिस्सों में डिवाइड होता है। पहला ये होता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। कोई कोई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीख भी जाता है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को मिला करके, तो उसके बाद पूरे सर्किट में बीच में किसी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज पता करना या किसी इंडिविजुअल ब्रांच में करंट पता करना, उसमें दिक्कत आती है। तो उन सब चीज़ों के लिए हम कुछ स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जिसके लिए मैंने एक आपके लिए न्यूमेरिकल शीट तैयार की है। वो आपको अभी दिख रही होगी, मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है। साथ ही आप यहाँ से पॉज करके इसको देख सकते हैं, पहले पूरे क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। साथ ही मैं इस असाइनमेंट शीट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि आप गूगल ड्राइव से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर वन। हम धीरे धीरे करके अपना लेवल बढ़ाएंगे, डिफिकल्टी लेवल। सबसे पहले हम आसान क्वेश्चन लेंगे, धीरे 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 करके। ये कुछ क्वेश्चंस हैं इस शीट में, जितने भी क्वेश्चंस हैं आज हम इस वीडियो में इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और जिन्होंने इन सभी क्वेश्चंस को अगर कर लिया तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बी कॉन्फिडेंट, कैसा भी कोई भी न्यूमेरिकल होगा, 10th क्लास लेवल का ही नहीं, सिर्फ कुछ कुछ क्वेश्चंस 12th क्लास के लेवल के भी वो सॉल्व करने में एकदम माहिर हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको मज़ा आएगा और स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। ओके, चलो आओ। क्वेश्चन नंबर वन में ये बोला हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर वन क्या है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इन द सर्किट शोन इन फिगर। इसके छह पार्ट्स दिए हुए हैं। इन छहों पार्ट में, सिक्स पार्ट्स में हमें सिर्फ और सिर्फ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ओके, हमें इन सिक्स पार्ट्स में सिर्फ क्या सीखना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको पहले सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले पता होने चाहिए, जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सीरीज कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला जो होता है टोटल रेजिस्टेंस निकालने का, वो होता है RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू RN, जितने भी रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला होता है 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 अप टू 1/RN तक। ठीक है, ये कैसे आया, क्या क्या प्रोसेस हुआ, उसके लिए आपको मैं वीडियो का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से पूरी वीडियो में जाके देख सकते हैं, पूरे चैप्टर की जो वीडियो बनी हुई है वहाँ पे इसका पूरा डेरिवेशन भी समझ में आ जाएगा। अभी हम डेरिवेशन पे फोकस ना करके सिर्फ फॉर्मूले को यूज़ करेंगे और हम न्यूमेरिकल्स पर फोकस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला हुआ है कि दो रेजिस्टेंस ऊपर लगे हुए हैं 6 ओम के, और इनके अक्रॉस एक रेजिस्टेंस नीचे लगा हुआ है 6 ओम का। ठीक, और यहां पे एक ब्रांच, दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, दिस इज 6 ओम, दिस इज 6 ओम एंड दिस विल बी द 6 ओम। तो बताओ टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी क्या होगा बेटा, स्टेप नंबर वन। देखो अभी शायद हो सकता है इसको तो देखते यार इसमें क्या है, ये तो तुरंत हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा तुरंत, लेकिन स्टेप अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हमें आगे इसके जो डिफिकल्टी टॉपिक्स, डिफिकल्टी सर्किट मिलेंगे उनको कैसे सॉल्व करें। तो उसके लिए स्टेप क्या करते हैं, बहुत शॉर्टकट तरीका है बेटा, आप करंट को फ्लो कराओ, चाहे ए की तरफ से चाहे बी की तरफ से,
एक ही तरह से अगर हम करंट फ्लो कराते हैं, मान लो आई करंट फ्लो कराया, तो करंट जैसी कोई जंक्शन मिलता है वहां पे जाके क्या होता है, करंट हमेशा डिवाइड हो जाता है। तो यहां पे क्या मिला I1 और यहां पे क्या मिला I2। अब ये I1 इसमें भी I1 जाएगा, इसमें भी I1 जाएगा, दोनों रेजिस्टेंस में I1 जाएगा नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि इसके बीच में कहीं भी कोई जंक्शन नहीं है। जब जंक्शन नहीं है तो सीधे सीधे करंट जाएगा। तो ये I1 यहां तक फ्लो होके आएगा और ये I2 यहां तक फ्लो होके आएगा और दोनों मिल जाएंगे फिर से I। इसका मतलब क्या हुआ कि ये I दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है, I1 और I2 में डिवाइड हुआ है। दूसरी चीज यहां से क्या निकल के आई कि ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो कर रहा है। इन दोनों रेजिस्टेंस में जब सेम करंट फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब इन दोनों में क्या है, सीरीज। कौन सा कॉम्बिनेशन लगेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, क्योंकि सीरीज में सेम करंट होता है, पैरेलल में सेम वोल्टेज होता है। ये कंसेप्ट आपको पता होगा, नहीं पता हो तो अभी लिख लो कहीं पे, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम करंट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है, जबकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है और करंट डिफरेंट होता है। तो ये दोनों सीरीज में, तो ये दोनों सीरीज में है, तो इसका नेक्स्ट सर्किट क्या बनेगा जरा बताना। इसका नेक्स्ट सर्किट कुछ इस तरीके से बनेगा, नहीं बनेगा देखो। मतलब हम करना क्या चाहते हैं, हम करना ये चाहते हैं कि कैसे भी ना कैसे करके तीन रजिस्टर्स को हटाएं और एक रजिस्टर लगाएं, ठीक। तीन रजिस्टर्स को हटाएं और एक रजिस्टर लगाएं और उस एक रेजिस्टेंस की वैल्यू, उस एक रजिस्टर की वैल्यू इन तीनों के बराबर होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, पहले इन दो रजिस्टर को हटाया, इन दो रजिस्टर को हटा करके हम एक रजिस्टर ले आए, ठीक। अब ये दोनों किस में, सीरीज में। सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से बताओ, सीरीज का फॉर्मूला होता है सिंपली एड, एलजेब्रिकली सम। आ रही बात समझ में? तो देखो 6+6 यहां पे किया तो कितना आ जाएगा 12 ओम, समझ में आ गया 12 ओम, और यहां पे कितना हो जाएगा 6 ओम। अब ए और ये पॉइंट हो गया बी, ओहो अब तो बहुत आसान काम हो गया, बिल्कुल आसान हो गया। कैसे, देखो अब सीधे सीधे ये दोनों किस में दिख रहे हैं, पैरेलल में दिख रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सर्किट जो होगा हमारा वो क्या होगा, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। मतलब ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, इन दोनों रेजिस्टेंस को हटाओ और एक रेजिस्टेंस लगाओ जिसकी वैल्यू इन दोनों के बराबर हो। तो अब हमारा काम क्या रह गया, इन दोनों को सॉल्व करना। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 1/RAB। क्यों, क्योंकि ये दोनों किस में है बताओ जल्दी से, पैरेलल में है। और पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो 1/RAB = 1/12 + 1/6। सॉल्व करना, 12 1+2 = 3/12। आरएबी की वैल्यू, 1/RAB की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4, और यहां से RAB की वैल्यू निकल के आ गई क्या, 4। बहुत से बच्चे क्या गलती कर बैठते हैं, यहां पे भी मैं बताऊं जो गलतियां आप करोगे कि 1/RAB की वैल्यू 1/4 आई, आंसर लिख दिया 1/4, नहीं, ये 1/RAB की वैल्यू है, इसको रेसिप्रोकल करना है। कई बार ये गलती, हमें पता होता है कि हम ये गलती करेंगे फिर भी हम ये गलती कर जाते हैं। तो इसका सीधा समाधान क्या है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको ये चीज़ें याद रहेंगी कि पैरेलल था, रेसिप्रोकल करना है। आरएबी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 ओम, मतलब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगेगा वो 4 ओम का लगेगा और इसका आंसर हो गया 4 ओम, ठीक है। समझ में आ गया, पॉज करके आप नोट कर लेना, ठीक है। मैं सेकेंड पार्ट स्टार्ट करता हूँ, सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। और सेकेंड पार्ट में बोला हुआ है इसके तीन रजिस्टर लगे हुए हैं, 1 ओम 2 ओम और तीसरा है 1.5 ओम, आपको दिख रहा होगा। यहां पे 1 ओम, यहां पे 2 ओम और यहां पे 1.5 ओम। दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, ठीक है। चलो देखो फटाफट से, जल्दी से देखो, हमने क्या करना है, फिर से वही काम करना है। स्टेप वन, करंट फ्लो कराओ। इस साइड से मान लो इस साइड से करंट आ रहा है, इधर से करंट जा रहा है, इधर से करंट आ रहा है आई, यहां पे जाके जंक्शन मिल गया, यहां पे जाके जंक्शन मिल गया, करंट डिवाइड हो गया, बस। ये चीज अगर सीख गए ना, मैं गारंटी लेता हूं आप 12th क्लास के सर्किट भी निकाल लोगे, 12th क्लास के सर्किट का भी आप वैल्यू निकालने लग जाओगे, ठीक है। देखो यहां पे I1 और यहां पे I2, ठीक है। I1, अब देखना यहां पे ध्यान से, I1 ये जा रहा है, क्या इस बीच से कहीं कोई जंक्शन मिला, नहीं, दिस इज नॉट द जंक्शन, दिस इज नॉट द जंक्शन,
ठीक है, ये तो सीधे सीधे सर्किट है ना, तो I1 सीधे सीधे यहां तक I1 आएगा और I2 यहां तक I2 आएगा। ये I टूटा था इन दो हिस्सों में और ये फाइनली I1 प्लस I2 मिलकर के क्या बना लिए, ये I बना लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों में सेम करंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों क्या हो गए, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गए। तो सर्किट कैसा बन जाएगा, अब कुछ इस तरीके का बन जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके का सर्किट बन जाएगा। और ये दो और एक तीन, क्योंकि दोनों सीरीज में है ना, तो सीरीज का फॉर्मूला सिंपली ऐड और यहाँ पे आ जाएगा 1.5 ओम एंड दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। अब सिंपली क्या कर दें, दोनों को हटा दो, दोनों पैरेलल में आ गए और एक रजिस्टर लगा दो और वो कितनी वैल्यू का होगा उसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, वन अपॉन आर ए बी इक्वल टू 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 1.5 है ना, 1.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 अपॉन 2 लिख सकता हूँ, 3 अपॉन 2, तो 3 नीचे और 2 ऊपर, नहीं आया भाई 3 अपॉन 2 ये करूँगा ना, 2 ऊपर चला जाएगा, स्मार्ट वर्क, 3 अपॉन 2। अब नाउ एलसीएम ले लो, 3 और ऊपर 2 प्लस 1 3 दैट इज 1 ओम और आर ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 ओम, मतलब 1 ओम का रेजिस्टेंस। मतलब क्या हुआ कि इन तीनों रेजिस्टेंस को हटाऊं और इकलौता 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा दूं तो जो काम ये तीनों मिलकर के करेंगे वही काम ये करेगा। आई होप क्लियर हुआ होगा बेटा, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, नहीं हुआ हो तो दोबारा रिपीट करके देखना इस चीज़ को, जब तक क्लियर नहीं हो तब तक तीसरे क्वेश्चन पे नहीं जाना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जितने इस वीडियो में क्वेश्चन करा रहा हूँ बस इन वीडियोस को अगर एक बार समझ लिए, दिमाग में अच्छी तरह बैठा लिए, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक पाए सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन को करने से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन इसका सेकेंड पार्ट था ये, नाउ थर्ड पार्ट कर रहे हैं अब हम। थर्ड पार्ट में चार रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है 6 ओम, यहां पर दिया हुआ है 6 ओम, यहां पर दिया हुआ है, यहाँ पे भी 6 ओम दिया हुआ है, यहाँ पे भी 6 ओम दिया हुआ है और आर ए बी पूछा हुआ है, तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल दिख रहा होगा आप तो, अब तो एकदम हलवा लग रहा होगा, हलवा खा जाओ बस, आय हाय हलवा, हलवा क्यों कहते हैं हर चीज़ को, हर सॉफ्ट चीज़ को, हर आसान चीज़ को हलवा क्यों कहते हैं, हलवा खाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती ना, ऐसे लिया और ऐसे खा लिया, ठीक है। वैसे समझो सिंपल दिख रहा है क्या, ये दोनों पैरेलल में, फिर ये लाइन गई, ये दोनों पैरेलल में, इसको सॉल्व कर लो पैरेलल कॉम्बिनेशन से, इसको सॉल्व कर लो पैरेलल कॉम्बिनेशन से, उठा के दोनों किस में आ गए, सीरीज कॉम्बिनेशन में आ गए। वाओ, अब तो खिलाड़ी हो गए तुम, ठीक है। चलो देखते हैं, आई यहां से आई वन, यहां से आई टू, यहां तक आई वन, यहां तक आई टू, फिर से यहां पे आई आ जाएगा, भाई जो टूटा दो हिस्सों में वो मिलकर के वही तो बनेगा, फिर यहां से अगेन आई वन ले लो चाहे आई थ्री ले लो, हाँ आई थ्री और आई फोर अलग अलग करंट लेंगे, वैसे सेम ही लेंगे क्योंकि सेम रेजिस्टेंस है इसलिए, पर कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी आई थ्री, यहां आई फोर और यहां पे फिर से ही आई आ जाएगा। तो दोनों ये पैरेलल में आ गए, तो इन दोनों को हटाएंगे, एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, फिर ये दोनों को हटाएंगे, एक रेजिस्टेंस लगाएंगे और इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी जरा बताना, 1/r इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/6 बेटा एलसीएम लेंगे और 2 इधर आ जाएगा और ये आ जाएगा 1/3 दैट इज r की वैल्यू आ गई 3 ओम, ठीक है। ये भी 3 होगा और ये भी 3 होगा, मतलब 3 ओम यहाँ पे, 3 ओम यहाँ पे, ये पॉइंट आ जाएगा ए और ये पॉइंट आ जाएगा बी। नाउ अब आर ए बी निकालना है, तो 3 प्लस 3 दैट इज 6 ओम रजिस्टर। बताओ अगर मैं इन चारों को हटा दूं और 6 ओम का एक रजिस्टर लगा दूं तो बताओ बात बराबर होगी कि नहीं होगी, जो काम ये चारों मिलकर के कर रहे हैं वही काम ये कर रहा है, ठीक है। पॉज करना तब नोट कर लेना, मैं आगे बढ़ता हूं। फोर्थ पार्ट में कुछ इस तरीके से लगा हुआ है। अब यहां पे कुछ लोगों का दिमाग चल रहा होगा, नहीं चलाना है दिमाग, क्वेश्चन समझ लो पहले। ए बी के अक्रॉस आपसे सिंपली उसने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, बस बाकी करंट कहाँ है क्या है, कुछ प्रिंसिपल, किसी का प्रिंसिपल, वो सब हो सकता है किसी के दिमाग में चल रहा हो, लेकिन अभी फिलहाल नहीं चलाना है, अभी सिर्फ आपको ये सोचना है कि ए बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस पूछा है, ठीक है। ए बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस पूछा है तो क्या करें,
यहां से करंट आया होगा, ओके जिनके अक्रॉस पूछता है उसमें एक साइड से करंट डालो और दूसरी साइड से करंट बाहर भेजो, ठीक है। तो ये जाएगा तो ये तीन हिस्से में जाएगा, I1, I2 और I3, ठीक। ये I1 पूरा यहां तक आएगा, बीच में कोई जंक्शन नहीं है, ये I2 यहां तक आएगा और ये I3 यहां तक आएगा। बेटा फिर से बोल रहा हूं, हो सकता है कि नहीं इसमें कोई प्रिंसिपल लगता है या क्या होता, नहीं सोचना है अभी फिलहाल, मैं फिर से बोल रहा हूं कुछ नहीं सोचना है, हमें सिर्फ दिमाग में अभी यहां पे क्या सोचना है कि ए बी के अक्रॉस टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है। वो सब अलग कहानी होती है कि जब हमें करंट पूछा हो या कुछ और पूछा हो, सिर्फ तुमसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा, जितना पूछ रहा उतना दिमाग चलाओ, सच में जितना पूछा उतना दिमाग चलाओगे तो हर एक क्वेश्चन सही होगा आपका, ओके। बेटा देखो फटाफट से, I1 इन दोनों में सेम है, I3 इन दोनों में सेम है, तो ये दोनों सीरीज में आ गए, ये दोनों सीरीज में आ गए, तो नेक्स्ट जो सर्किट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि नहीं होगा, मतलब एक रेजिस्टेंस ऊपर, एक रेजिस्टेंस नीचे और एक रेजिस्टेंस बीच में। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, बीच वाला ये हो गया 1 ओम, ऊपर कितने हो जाएंगे 3, 2, 5 ओम, नीचे कितने हो जाएंगे 3, 2, 5 ओम, बताओ होंगे कि नहीं होंगे। अब आर ए बी निकालना है, तीनों पैरेलल में आ गए कि नहीं आ गए, बेटा बताना, 1 upon R A B = 1/5 + 1/5 + 1 और एलसीएम लेंगे 5, 1 + 1 + 1, 5, 5 = 5, तो 7/5, ये बेटा 1 upon R A B की वैल्यू आई, तो आर ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/7 ओम, ओके आर ए बी की वैल्यू कितनी होगी 5/7 ओम। दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस विच कैन रिप्लेस ऑल दीज रेजिस्टर्स, इज दैट क्लियर, आई होप क्लियर हुआ होगा, ओके। नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, फिफ्थ पार्ट, बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार, चलो देखते हैं। इसके लिए थोड़ा सा आपको अपनी सोचने की शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। This is point A, C, this is D, and this will be the E, F, and B. और तीनों दो दो ओम के लगे हुए हैं। अब एक चीज सोचो कि ये बवाल कुछ अजीब सा लग रहा है। पहले तो हमें इस सर्किट को आसान तरीके से बनाना पड़ेगा। अभी जैसा दिख रहा है ऐसे में मजा नहीं आने वाला। मजा इसलिए नहीं आने वाला क्योंकि सब कुछ मिक्स है यहाँ पे। पहले इसको तमीज से सर्किट बनाते हैं। तमीज से सर्किट बनाने का मतलब क्या है समझना। मैं क्या करूं, बीच वाले रजिस्टर को कांस्टेंट रख लूं, मतलब एक पॉइंट डी, एक पॉइंट डी और एक पॉइंट ई, ठीक है, और 2 ओम रेजिस्टर। अब मैंने क्या किया, बहुत ध्यान से देखना बेटा, सी और ई पॉइंट के बीच में कोई रेजिस्टर है ऊपर वाले में, नहीं है ना, तो क्या मैं इस सी और ई को मिला सकता हूं आपस में, सी को ई के पास ले जाऊं, मतलब यहां से इस पूरे डी के इधर वाले पोर्शन को उठाऊं और इसके ऊपर ले जाऊं। फिर से समझना, डी के इधर वाले पोर्शन को उठाऊं और इसके ऊपर ले जाऊं तो क्या होगा, यहीं पे सी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, सी ई के पास आ जाएगा और ये ए पॉइंट इधर चला जाएगा। ई के इधर वाले पोर्शन के साथ क्या करना है, ई के इधर वाले पोर्शन के साथ क्या करना है, इसको उठाएं, क्योंकि देखो एफ और डी को मिला सकते हैं हम, क्योंकि सिंगल वायर है, ये कॉमन हो रखा है, इसके बीच में कोई रजिस्टर नहीं है, तो मैं क्या करूं, ई के इधर वाले पोर्शन को उठाएं और इस तरीके से यहां पे लगा दें इस 2 ओम के अक्रॉस, मतलब इसको इसके ऊपर ले गए और इसको इसके नीचे ले आए, तो एफ और डी आपस में मिल जाएंगे, मतलब डी और एफ यहां पे मिल जाएंगे और ये इस तरीके से बन जाएगा, मतलब ई वाला ई के इधर वाला पोर्शन उठा के ले गया एफ और एफ के इधर बी जो है वो इधर आ गया। ये सर्किट समझो, ये सर्किट कुछ इस तरीके से है। अब तो हो गया, ओ इतना आसान था, पागल बना दिया सर आप तुम तो। नहीं बेटा पागल नहीं बनाए, क्वेश्चन ऐसे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऐसे ही आ जाता है और हमें क्या लगता है कि तीनों सीरीज में लगे हुए हैं या दो सीरीज में एक पैरेलल में लगे हुए हैं,
असल में तीनों पैरेलल में लगे हुए हैं, ठीक है। तो जब भी कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट आए, कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट आए, उसको आसान बना लो पहले, तो इतना आसान बना लो कि एक बार में देखते ही समझ में आ जाए कि अच्छा इसमें तो ये हो रहा है। तो कॉम्प्लेक्स सर्किट को आसान बनाना है। अब यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ तो कुछ नहीं रह गया, 1/ab = 1/2 + 1/2 + 1/2 एलसीएम ले लो बेटा 2 और 1 + 1 + 1 दैट इज 3/2। ये फिर से बोल रहा हूँ, काय की वैल्यू है, 1/rab की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, 1/rab की वैल्यू है। अब यहाँ पे rab की वैल्यू है, ये rab की वैल्यू क्या होगी, 2/3 ओम। rab की वैल्यू क्या होगी, 2/3 ओम। जस्ट रेसिप्रोकल कर दो, इज दैट क्लियर, आई होप क्लियर हुआ होगा बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नहीं आया हो समझ में तो आगे मत बढ़ना, मैं क्या कह रहा हूँ, फिर से बैक में जाना, फिर से समझना, जब तक समझ में नहीं आया एक एक पार्ट आगे बढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ओके। एक एक पार्ट दिमाग में सेट कर लेने, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आज आपके लिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ये टफेस्ट लेवल है एकदम, ओके। चलो फिफ्थ हो गया, सिक्स पार्ट पे आते हैं। सिक्स पार्ट और मज़ेदार है, सिक्स पार्ट में कुछ सर्किट आपने देख लिया होगा अभी तक शीट में, हाँ जी बिल्कुल सही, ये पॉइंट टच नहीं है, ओके। किसी को लग रहा हो कि ये पॉइंट इससे टच है, बिल्कुल टच नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं, कुछ इस तरीके से है, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट ए एंड हियर इज द रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम एंड इट इज 2 ओम एंड इट विल बी द 4 ओम एंड दिस वन इज 2 ओम, दिस वन इज 1 ओम एंड अगेन दीज 2 आर 2 ओम ईच, ओके। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी पॉइंट, फिर से अपना वो स्टेप वन, करंट वाला मेथड मत भूलो, करंट वाला मेथड भूल गए तो फिर सब कहानी बिगड़ जाएगी, ओके। वैसे हालांकि कुछ अब एकदम एक्सपर्ट हो गए होंगे, समझदार हो गए होंगे मेरी तरह, बिल्कुल कुछ तो कर गए होंगे अभी तक तो, कि हाँ सर हो गया, लेकिन जिनको नहीं हुआ उनके लिए भी है, ये सबके लिए डाला है मैंने, इसीलिए इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के। सुनो, यहां से करंट गया आई, बहुत आराम से ठंडे दिमाग से सोचना, बिल्कुल एक ही बार में प्यार समझ में आएगा। यहां से करंट गया आई, यहां डिवाइड हो गया I1 और यहां डिवाइड हो गया I2 में, ठीक है। अब ये I1 कहां तक जाएगा, सिर्फ यहां तक, यहां पे फिर से इसे ब्रांच मिल गई, इसे जंक्शन मिल गया, जंक्शन मिल गया तो ये डिवाइड होगा, I1 डिवाइड होगा बेटा I3 और I4 में। अब ये I4 यहां तक आया, ये I4 ही इसमें जाएगा पूरे में, मतलब इन दोनों में सेम है, इन दोनों में सेम होने का मतलब क्या है, सीरीज, ये दोनों किसमें हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में, और ये I3 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। अच्छा I1 टूटा था ना I3 और I4 में, तो I3 और I4 मिलकर के क्या बनाएंगे, जल्दी बताओ, I1 बनाएंगे, बिल्कुल यहाँ तक आएगा I1 और यहाँ तक आएगा ये वाला करंट I2 और फिर से दोनों मिलेंगे I, देखो करंट सेम आ रहा है नहीं आ रहा, I एंटर किया था, I बाहर निकल रहा है, बिल्कुल निकल रहा है, यही चीज़ तो चाहिए हमें। अब सुन लो क्या करना है, अब सर्किट को ईजी बनाना है, स्टेप बाय स्टेप सर्किट को इजी बनाना है। ये दोनों सीरीज में, तो क्या हो गया सर्किट, अब सर्किट कुछ इस तरीके से हो जाएगा, देखो ये दोनों सीरीज में, तो 2 और 2 4 ओम, यहाँ पे 4 ओम आ गया, यहाँ पे 4 ओम आ गया, यहाँ पे 1 ओम आ गया, यहाँ पे 1 ओम आ गया और ये दोनों 2 ओम ईच। अब और भी चीज़ देखो, मैंने क्या कर रहा था, अंदर से बाहर जाएंगे ना बेटा, अपने आप होते चला जाएगा। अब क्या दिख रहा है जल्दी से, ये दोनों पैरेलल में दिख रहे, नहीं दिख रहे, चाहो तो करंट वाला कंसेप्ट भी देख लो कि ये करंट यहाँ पे डिवाइड हो रहा है और यहाँ पे मिल रहा है, तो मतलब आपस में सामने खड़े हुए हैं, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में है, तो नेक्स्ट सर्किट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट सर्किट हमारा जो होगा वो इस तरीके से होगा, ड्राइंग थोड़ी सी खराब है मेरी, ठीक है, ज्यादा भी नहीं पर थोड़ी सी, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना,
और ये दोनों क्या है, ये दोनों भी तो सीरीज में, तो क्या मैं इन दोनों को नहीं हटा सकता, एक रेजिस्टर लगा सकता, दो और दो चार ओम का। लो, एक ही स्टेप में मैंने दो काम कर दिए। ये आपको अलग से लिख लिख के बताने पड़ेंगे, ब्रांच नंबर डालना, इस ब्रांच में ये सॉल्यूशन है, इस ब्रांच में ये सॉल्यूशन है। मैं बस स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 4 ओम का आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा जरा बताना, 1/R = 1/4 + 1/4 = 2/4 = 1/2, और R आ गया 2 ओम का, ऊपर 2 ओम, और ये कितना है 1 ओम, ये कितना है 1 ओम। अब बेटा और आसान हो गया, क्या आसान हुआ बताओ, ये तीनों सीरीज में आ गए नहीं आ गए, देखो एक ही लाइन हो गई, ये तीनों सीरीज में आ गए, 1 + 2 + 1 कितने हो गए 4 ओम हो गए, और नीचे भी 4 ओम। तो नेक्स्ट जो सर्किट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि एक ऊपर लगा होगा रेजिस्टेंस 4 ओम का, एक नीचे लगा होगा रेजिस्टेंस 4 ओम का। अब इन दोनों की तो वैल्यू निकाल ही सकते हो, बताओ अभी अभी निकाली थी, क्या होगी 1/R = 1/4 + 1/4 = 2/4 = 1/2, और R की वैल्यू आ गई कितनी 2 ओम। दिस इज द आंसर। मतलब इतने सारे तामझाम को, रजिस्टर्स को हटाएं और एक रजिस्टर लगाएं, कितने ओम का 2 ओम का। तो जो काम ये सारे मिलकर के भाई कर रहे थे वो इकलौता ये बड़ा भाई आकर के कर गया। इज दैट क्लियर, आई होप क्लियर हुआ होगा। बट ये 6 पार्ट थे जिनमें हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था। ये पहली सीढ़ी थी। अगर आप ये पहली सीढ़ी क्लियर कर चुके हैं, पार कर चुके हैं, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जिसमें हम थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू, कैलकुलेट करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर। देखो दो रजिस्टर लगे हुए हैं, एक तो 10 ओम का लगा हुआ है और एक 20 ओम का लगा हुआ है, ठीक है। है तो ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं, बस इसमें अगर आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो तो आसानी से हो जाएगा, और मिला दोगे तो सब बेकार हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, इस 10 ओम के अक्रॉस करंट भी बता दो और इस 10 ओम के अक्रॉस वोल्टेज भी बता दो। आ रही बात समझ में? तो देखो बेटा दोनों सीरीज में, तो करंट, ये बैटरी दिया हुआ है 3 वोल्ट का, ठीक है। टोटल वोल्टेज पता है, अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस पता चल जाए तो यहाँ से निकलने वाला टोटल करंट पता चल जाएगा, और वो ही करंट जाएगा नहीं जाएगा, तो 10 ओम में जो करंट होगा वो कौन सा करंट होगा, सर्किट वाला करंट होगा। बिल्कुल सही बोला, हाँ सर्किट वाला करंट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहीं भी कोई पैरेलल में डिवाइस या रजिस्टर नहीं लगा हुआ है, ये दोनों किस में लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं, और सीरीज में करंट सेम रहता है, ठीक है। अब तक तो दिमाग में सेट हो गई होगी ये चीज। तो क्या करें, टोटल वोल्टेज 3 वोल्ट, टोटल रजिस्टेंस दोनों सीरीज में है तो कितना हो गया 30 ओम, टोटल करंट I इक्वल्स टू ओम्स लॉ, पढ़ लियो। ऑब्वियस ही बात है, जब हम इस टॉपिक पे आए हैं तो आप ओम्स लॉ पढ़ के ही आए होंगे, मैं ये उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं पढ़ के आए हैं ओम्स लॉ तो फिर से बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वीडियो का, वहाँ जाना और पूरा एक बार चैप्टर पढ़ लेना, ठीक है। ना सिर्फ ओम्स लॉ, सब कुछ मिलेगा उसमें। तो ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होता है, वी इक्वल्स टू आई आर, तो भाई ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होता है, वी इक्वल्स टू आई आर, तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, वी अपॉन आर, दैट इज 3/30, दैट इज 1/10, ओके। और वी कैन से 0.1 एम्पियर, 1/10 की वैल्यू कितनी होगी, 0.1 एम्पियर होगी, ओके। अब हमें करना क्या है, इस 10 ओम के अक्रॉस हमें करंट पता है। अब एक बात बताओ, सीरीज में करंट सेम रहता है लेकिन वोल्टेज थोड़ी नहीं सेम होते हैं, ये 3 वोल्ट में से कुछ यहाँ पे ड्रॉप हुआ होगा और कुछ यहाँ पे ड्रॉप हुआ होगा, जो यहाँ पे ड्रॉप हुआ है उसी की वैल्यू बता दो बस आप। आ रही बात समझ में? जो यहाँ पे ड्रॉप हुआ है उसी की वैल्यू बता दो। तो बताओ क्या होगा यहाँ पे ड्रॉप होने वाले की वैल्यू, मतलब यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है उसकी वैल्यू बतानी है, तो यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस पता है, यहाँ पे हमें करंट पता है, तो आप V नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं, V इक्वल्स टू आई आर से, I कितना है 0.1, और इसी जगह पे जिसके अक्रॉस वोल्टेज चेक कर रहे हैं उस के अक्रॉस टोटल रेजिस्टेंस कितना है 10, 1/10 × 10 दैट इज 1 वोल्ट, मतलब 3 में से 1 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, तो इसका मतलब आंसर तो हो गया, लेकिन अब हम क्रॉस चेक कर रहे हैं,
तीन वोल्ट में से एक वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हुआ तो इसका मतलब दो वोल्ट यहाँ पे होना चाहिए। चेक कर लेते हैं भाई, इसके अक्रॉस भी वी निकाल लो। आंसर तो हो चुका है, परेशान मत होना, आंसर हो चुका, वन वोल्ट आ गया। मैं बस चेक कर रहा हूँ कि इन दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसका सम थ्री वोल्ट है या नहीं है। तो इसके अक्रॉस अगर दो वोल्ट आ गया आंसर तो इसका मतलब सही है। चेक कर लेते हैं, वी वी इक्वल टू आई आर, आई कितना है 0.1 × 20, ओहो मतलब अपॉन 10, कैंसिल करो, दो एम्पियर आया, दो वोल्ट आया नहीं आया, बिल्कुल आया, तो आंसर हमारा सही है। समझ में आ गया, बिल्कुल सही है आंसर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर टू। अब थोड़ा सा लेवल और बढ़ा रहे हैं, मतलब मैंने क्या कहा था, हर क्वेश्चन में लेवल बढ़ता जाएगा और फाइनली एंड एट द एंड आप क्या कहोगे कि अब आप बादशाह हो, सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन के कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए आपको, आप कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री चलो देखते हैं, पहला सर्किट बना लेते हैं। यहाँ पे ये 12 वोल्ट है वोल्ट मीटर की रीडिंग, और यहाँ पे वोल्ट मीटर की रीडिंग है 6 वोल्ट। ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर, ओके द रीडिंग ऑफ एमीटर, बिल्कुल सही, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ओहो बैटरी का आपको वोल्टेज नहीं दिया हुआ है, लेकिन इस सर्किट में दो रजिस्टर लगे हैं और दोनों के अक्रॉस वोल्टेज दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम एक एक स्टेप करके चलते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, देखो R की वैल्यू पूछी है, मुझे एक बात बताओ R की वैल्यू बताने के लिए आपको यहाँ पे करंट पता होना चाहिए, क्योंकि वोल्टेज तो पता है, बिल्कुल पता है, यहाँ पे आपको करंट पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे करंट पता होने के लिए मतलब ये पूरा दोनों सीरीज में, तो पूरे सर्किट में करंट पता होना चाहिए। अब पूरे सर्किट में करंट पता होने के लिए क्या पता होना चाहिए, टोटल वोल्टेज और टोटल रेजिस्टेंस। ना तो आपको टोटल वोल्टेज पता, ना आपको टोटल रेजिस्टेंस पता, फंस गए, नहीं फंसे। मैंने क्या बोला था अभी, इससे पिछले क्वेश्चन में हमने चेक किया था, क्या 3 वोल्ट की बैटरी थी, उसमें से अगर एक वोल्ट एक रजिस्टर पे ड्रॉप हो रहा है तो बाकी के बचे वोल्टेज दूसरे रजिस्टर पे ड्रॉप होने चाहिए थे, और क्रॉस चेक किया तो बिल्कुल सही निकला था। इसका मतलब क्या है, इस सर्किट में दो रजिस्टर हैं सिर्फ, दोनों के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बता रखा है, तो मतलब टोटल वोल्ट कितना होगा, इन दोनों का सम होगा। यही करके देखना आप, ये फॉर्मूले यहीं वहीं से निकल के आते हैं, इसी कंसेप्ट के बेस पे निकल के आते हैं। तो टोटल वोल्टेज क्या होगा बेटा, 6 वोल्ट प्लस 12 वोल्ट दैट इज 18 वोल्ट। ठीक है, टोटल वोल्टेज कितना हो गया इसमें, 18 वोल्ट हो गया। अब आपको एक और आसान तरीका बताऊं, नहीं सर आपने कह दिया और हम मान लें, ऐसा कैसे कर लें, बिल्कुल सही है, नहीं मानो, दूसरा तरीका बता रहा हूं मैं, जिनको ये तरीका नहीं मानना, या हो सकता है कि किसी के स्कूल में टीचर्स कहते हैं कि नहीं आप ऐसे कैसे डायरेक्ट कैसे सम कर सकते हो, बिल्कुल नहीं परेशान हो, मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ जिसका तोड़ नहीं है और जिसे कोई गलत नहीं कर सकता। सुनो ध्यान से दुनिया वालों, इधर देखो बेटा, इसके अक्रॉस तो 12 वोल्ट लगा हुआ है, इधर तो रेजिस्टेंस पता है, क्या तुम यहाँ पे करंट नहीं निकाल सकते, देखो ध्यान से, यहाँ पे तो करंट निकाल सकते हो, जो यहां पे करंट होगा वही करंट यहां पे होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों सीरीज में, तो इसमें तो करंट निकाल सकते हो ना। अब इसमें मत कह देना कोई कि इसमें करंट कैसे निकाल दिया, ऑब्वियस सी बात है, यहां पे रेजिस्टेंस पता है और इसके अक्रॉस वोल्टेज पता है, तो इसके अक्रॉस करंट निकालूंगा मैं अभी, और करंट आएगा आई इक्वल टू वी अपॉन आर की वैल्यू से, और 12/6 निकल के आया 2 एम्पियर। समझ में आया, कितना आया 2 एम्पियर, यही करंट यहां पे होगा, बिल्कुल होगा, यही करंट यहां पे होगा, मतलब करंट अक्रॉस आर एंड द वैल्यू ऑफ एमीटर भी यही होगी कि नहीं होगी, क्यों, क्योंकि सीरीज में, तो पूरे सर्किट का करंट यही होगा, एंड द वैल्यू ऑफ एमीटर इज 2 एम्पियर। अब यहां पे आपको वोल्टेज पता है,
यहाँ पे आपको करंट पता है तो क्या रेजिस्टेंस नहीं पता? बिल्कुल पता है, R इक्वल टू V अपॉन I। V की वैल्यू कितनी है 6, I की वैल्यू कितनी है 2, 3 ओम आया नहीं आया। लो जी, दो क्वेश्चन हो गए आपके, इस क्वेश्चन में से दो पार्ट हो गए। क्या क्या, रेजिस्टेंस कितना आ गया 3 ओम, एमीटर की रीडिंग कितनी आ गई 2 एम्पियर। तीसरा पार्ट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। हमने यहां से देखा था 12 और 6 18 आना चाहिए, लेकिन हो सकता है किसी को प्रॉब्लम हो, बिल्कुल प्रॉब्लम होगी, इसी को क्रॉस चेक कर लो। अभी V इक्वल टू आई आर लगाओगे, टोटल वोल्टेज निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, दोनों सीरीज में, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 3 और 6 9, भाई R की वैल्यू कितनी हो गई 3 प्लस 6 दैट इज 9 ओम, और करंट की वैल्यू कितनी है 2 एम्पियर। तो V कितना आ गया आई आर 2 इंटू 9 18 वोल्ट आया कि नहीं आया बताओ, अब तो मान लोगे ठीक है। तो आप ऐसे ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास प्रॉपर मेथड है, और अगर आप ये भी करना चाहें तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल लीगल है ये, कोई चीज़ इलीगल नहीं बताता हूँ मैं यहाँ पे। आ रही बात समझ में? ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था बेटा, बहुत मज़ेदार। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पॉज करके नोट कर लेना ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द करंट इन 3 ओम रजिस्टर। 3 ओम रजिस्टर में करंट निकालना है, सबसे पहले हम डायग्राम बना लें, बिना डायग्राम के तो कुछ होगा ही नहीं। टू ओम, थ्री ओम एंड 6 ओम, ओके, एंड दिस इज 20 वोल्ट। कैलकुलेट द करंट इन 3 ओम रजिस्टर, बेटा क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है, क्या कहा है, इसके अक्रॉस करंट बताना है। आ रही बात समझ में? अब सुनो, यहां से कुछ करंट निकला होगा, वो करंट क्या होगा, टोटल करंट ऑफ द सर्किट, वो यहां तक तो चला होगा, मान लो यहां से निकला आई, यहां तक ये आई आया होगा, अब यहां पर जाके डिवाइड हो जाएगा ये आई वन और आई टू में, और फिर यहाँ पे जाके दोनों कंबाइन हो जाएंगे, I1 और I2 मिलकर के क्या बना लेंगे फिर से I। तो हमें फाइनली वैल्यू किसकी निकालनी है, I1 की वैल्यू निकालनी है ठीक है, करंट इन 3 ओम रजिस्टर I1 की वैल्यू निकालनी है। तो I1 की वैल्यू निकालने के लिए सोचो क्या पता होना चाहिए, ये लाइन मेरी लिख लेना कहीं पर शुद्ध भाषा में हिंदी में, कि जिसकी वैल्यू निकालनी है उस ब्रांच में उस जगह पर हमारे पास क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या है और क्या क्या निकालना है। अगर आपने ये डाटा नोट कर लिया ना तो आपका क्वेश्चन हो गया। देखो यहाँ पे हमें करंट निकालना है, तो यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस तो दिया हुआ है, इसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल और पता चल जाए, बस सुई खेल हो गया। इसके अक्रॉस पोटेंशियल पता करने के लिए ही तो बता रहा हूँ मैं, क्या कि अगर मेरे को देखो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कह लूँ या इसके अक्रॉस पोटेंशियल कह लूँ, बात तो सेम है, क्यों, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो अगर मैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकाल लूं, उसे इसमें से माइनस कर दूं, बताओ उस पोटेंशियल को इसमें से माइनस कर दूं, बाकी का बचा कुचा वोल्टेज यहां पे आ जाएगा नहीं आ जाएगा, या फिर ये वो वाला कंसेप्ट आ गया अभी पिछले क्वेश्चन में जो यहां पे कराया था, फिर से कह रहा हूं जिनके लिए वो क्वेश्चन वो वाली प्रॉब्लम हो। तो दूसरा प्रॉपर मेथड क्या, इस सर्किट को पहले आसान बना लो, आसान ऐसे बना लें 2 ओम और इन दोनों को हटाएंगे, एक रेजिस्टेंस लगाएंगे ओके तो ये 2 ओम आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा जरा बताना, 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 6, एलसीएम ले लिया हम क्या 6, 2 प्लस 1 दैट इज 3 अपॉन 6 दैट इज 1 अपॉन 2, और आर की वैल्यू आ गई बेटा 2 ओम, यहाँ पे भी 2 ओम। ये बैटरी है 20 वोल्ट की ठीक है, मैं रब कर रहा हूँ इस चीज को, मतलब मेरे को यहां पर टोटल रेजिस्टेंस पता है, तो क्या मैं इसके अक्रॉस टोटल वोल्टेज नहीं निकाल सकता, इसके अक्रॉस टोटल वोल्टेज निकाल लो, कैसे निकालोगे आप, टोटल करंट निकाल लो, यहां पर करंट तो पता चल जाएगा, जैसे ही हमें यहां पर करंट पता चलेगा रेजिस्टेंस गिवन है तो क्या टोटल वोल्टेज नहीं पता चल जाएगा। तो अब हमारा क्या काम है, टोटल करंट निकालना,
करंट निकालने के लिए I इक्वल टू V अपॉन R लगाएंगे और V कितना है 20 और R कितना है 2, नहीं टोटल करंट निकाल रहा हूँ मैं, मतलब टोटल रेजिस्टेंस है ये सर्किट का, तो कितना है 2 + 2 = 4, 5 एम्पियर। ये 5 एम्पियर यहाँ से निकलने वाला करंट है, मतलब यहाँ पे भी 5 एम्पियर होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे ये V1 की वैल्यू कितनी हो गई, V1 इक्वल टू आई आर इस वाले की, ठीक है, 5 इंटू टू दैट इज 10 वोल्ट, 10 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, 10 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो रहा होगा फिर तो, ठीक है, इसके अक्रॉस वोल्टेज पता चल गया, मतलब हमें 3 ओम के अक्रॉस वोल्टेज पता चल चुका, यहाँ पे वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट, ठीक है। अब हमें क्या करना था, I1 की वैल्यू निकालनी है, निकाल दो I1 की वैल्यू, I1 क्या होगा, V इक्वल टू आई आर, I इक्वल टू V अपॉन आर, V अपॉन आर, इसके अक्रॉस V कितना है 10, R कितना है 3, बताओ कितना हो जाएगा 3.33 एम्पियर, ठीक है 3.33 एम्पियर। बेटा ये क्वेश्चन था अच्छे लेवल का, रिपीट करना फिर से, मैं एक बार आइडिया दे दे रहा हूं फिर से, ठीक है, हमें करना क्या था, इसके अक्रॉस करंट निकालना था, करंट निकालने के लिए इसके अक्रॉस वोल्टेज पता होना चाहिए, बस कैसे भी ना करके इसका अक्रॉस वोल्टेज पता कर लिया अगर हमने तो करंट निकल आएगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज पता करने के लिए हमें इस ब्रांच में यहाँ पर करंट पता होना चाहिए, मतलब तो हमने क्या किया, इन दोनों को कंबाइन कराया, 2 ओम का आ गया, यहाँ पे हमने करंट टोटल करंट देख लिया, वही जो करंट यहाँ है वही करंट यहाँ होगा, क्यों, क्योंकि दोनों सीरीज में, तो इसके अक्रॉस हमें करंट पता चल गया, इसके अक्रॉस हमें रेजिस्टेंस पता है, तो इसके अक्रॉस हम वोल्टेज निकाल पाए, वोल्टेज निकल के आया 10 वोल्ट, यही 10 वोल्ट यहाँ पे होगा, यही 10 वोल्ट यहाँ पे होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, एक एक लाइन एक एक वर्ड का मतलब है, ये नहीं कि हाँ स्किप कर करके आगे चले गए, बेटा खोदोगे चीज़ें, ठीक है, यहाँ पे 10 वोल्ट यहाँ पे 10 वोल्ट दोनों पैरेलल में, इसलिए सेम वोल्टेज रहेगा, यहाँ पे आपको वोल्टेज पता चल गया, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस पता है, तो करंट निकाल दिए, हो गया क्वेश्चन, ओके। और इसमें क्या पूछा हुआ था, ऑल्सो कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम, ऑब्वियस सी बात है, इसके अक्रॉस पूछ रहा है वोल्टेज, तो यहाँ पे करंट पता है आई, यहाँ पे करंट कितना है टोटल, ये 5 एम्पियर, तो V लगा दो, V इक्व टू आई आर, 5 × 2 दैट इज 10 वोल्ट, मैंने तो पहले ही कहा था 10 वोल्ट होगा, क्यों, क्योंकि अगर 20 में से 10 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है तो बाकी का वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, वो हमने मैथमेटिकली भी प्रूव कर दिया, ठीक है, ये क्लियर हो गया। आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें 2 पार्ट दिए हुए हैं और दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है, इसमें से दोनों ऑलमोस्ट सेम हैं, एक जैसे, बस एक में ज़्यादा डिवाइस लगे हुए हैं, एक में कम लगे हुए हैं, तो पहले हम सेकंड पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना सेकंड पार्ट, ठीक है, 3 ओम 6 ओम और इसके अक्रॉस लगा हुआ है सेल 18 वोल्ट का या बैटरी जो भी है, ठीक है, सेल आपको डायग्राम में सेल दिख रहा है तो सेल ही समझ लो, और इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज निकालना है, क्या करें, वही अभी जो खेल खेले थे वही खेल यहाँ पे खेल दो, क्या मुझे इसके अक्रॉस अगर करंट पता चल जाए तो मैं वोल्टेज निकाल दूंगा, और टोटल करंट पता करने के लिए I इक्वल टू V अपॉन R करना पड़ेगा, V कितना है 18 और रेजिस्टेंस कितना है बताओ जल्दी, सीरीज में है 6 और 3 9, ये टोटल करंट आ जाएगा 2 एम्पियर यहाँ से करंट निकला, तो इस पर 2 एम्पियर होगा कि नहीं होगा, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज पता करने के लिए V अक्रॉस 3 ओम निकालना है हमें, तो क्या करेंगे, I R मतलब 2 × 3 = 6 वोल्ट, समझ में आ गया, ठीक है, ओके। तो इसमें एमीटर अगर लगा होता, मान लो मैंने डायग्राम में बनाया नहीं है, एमीटर यहां पे लगा हुआ है, ठीक है, तो एमीटर की वैल्यू कितनी हो गई 2 एम्पियर और वोल्टेज की वैल्यू कितनी हो गई 6 वोल्ट। फर्स्ट पार्ट, इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम, क्यों किया मैंने पहले सेकंड पार्ट, क्योंकि सेकंड पार्ट में दो ही रजिस्टर लगे हुए हैं और फर्स्ट पार्ट में ज़्यादा रजिस्टर हैं 4, ठीक है, देखते हैं फर्स्ट पार्ट,
यहाँ पे एमीटर लगा हुआ है और यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा हुआ है। ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये भी 3 ओम है और ये 4 ओम है। ये 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। वोल्ट मीटर की वैल्यू बतानी है और एमीटर की वैल्यू बतानी है। क्या करो, सबसे पहले एमीटर निकाल दो। बिल्कुल, एमीटर मतलब टोटल करंट, एमीटर मतलब टोटल करंट इन द सर्किट। तो आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर लगाएंगे। वी कितना दिया हुआ है, 6, और टोटल रेजिस्टेंस, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या है, सभी के सभी सीरीज में लगे हुए हैं, तो सिंपल 3 2 5 और 3 8 और 4 12, दैट इज 1/2, दैट इज 0.5 एम्पियर करंट आ गया। अब इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज पता करना है, तो इसके अक्रॉस करंट कितना है, 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। तो V इक्वल्स टू आई आर, और I कितना है, 0.5 इंटू आर कितना है, 2 अपॉन 10, 2 5 जा 10, 5 से 5 कैंसिल, और ये आ गया आपका बेटा 1 वोल्ट। ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि किसी किसी का मैथ का थोड़ा वीक पॉइंट रह जाता है, तो मैं डायरेक्ट लिखता तो फिर दिक्कत हो जाती। समझ में आ गया, तो यहाँ पे V की वैल्यू आ गई 1 वोल्ट और एमीटर की वैल्यू आ गई 0.5 एम्पियर। ये थे वो सभी क्वेश्चंस अच्छे लेवल के, जो आपने अगर सभी क्वेश्चंस कर लिए तो बेटा फिर आप यहाँ से फ्री हो। अब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, अब बुक उठाना इसके बाद में और सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। आई होप आपको मज़ा आया होगा बेटा, और अगर मज़ा आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर ज़रूर करें, जिससे कि काफ़ी लोगों को मदद मिले। बहुत लोगों को इसी टॉपिक में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, पूरा चैप्टर कवर हो जाता है लेकिन जहाँ सीरीज और पैरेलल का खेल आया वहीं पर फैल जाते हैं। फैलने का मतलब हो गया काम। ठीक है, ओके, थैंक यू।